ये कुछ कंपैरिजन है इक्वेशन ऑफ मोशन और जब लीनियर होगा और सर्कुलर होगा, एस इक्वल टू यू टी यानी थीटा ओमेगा जीरो टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस ये देखिए एस यहाँ पर बन जाएगा थीटा, यू बन जाएगा यहाँ पर ओमेगा जीरो, ए बन जाएगा यहाँ पर अल्फा। बस इसी तरीके से देख लीजिए और सारी चीज़ें वैसे ही आई हैं। इन्हें जो ये फाइनल वेलोसिटी इसको ओमेगा कह रहे हैं हम, इनिशियल को ओमेगा जीरो कह रहे हैं, ए आपका अल्फा है, एस आपका यहाँ पर थीटा बनेगा। तो बस इनको चेंज कर दीजिए, ये बन जाएगा। सेम चीज़ें हैं, ये लीनियर के लिए है, ये आपके सर्कुलर के लिए है। यहाँ पर आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल, उनका यूनिट और उनकी जो डायमेंशन यूनिट है वो दिखाई गई है, यानी पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलीमीटर में आते हैं। पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर। वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज मतलब किसी टाइम के दरमियान, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पे। तो एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी के ऊपर एक डैश लगा देते हैं बार, और ये वी है। दोनों ही एल टी माइनस वन होते हैं, मीटर पर सेकेंड होते हैं। ऐसे एक्सेलरेशन में भी यहाँ से यहाँ तक कितना एक्सेलरेशन हुआ एवरेज होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन हुआ, एक पे ए के ऊपर आप बार लगाते हैं, एक ए होता है, दोनों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो टाइम मैक्सिमम हाइट टी एम कहते हैं, मैक्सिमम हाइट एच एम, मैक्सिमम रेंज आर, क्योंकि ये दोनों ये सारे के सारे आपके ये दोनों के दोनों डिस्टेंस में है तो मीटर में आएंगे, क्योंकि ये टाइम है तो सेकंड में आएगा। सर्कुलर मोशन की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ए सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये स्पीड है इसलिए, और क्योंकि एंगुलर स्पीड है रेडियन पर सेकंड, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है क्योंकि एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में।